नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जियो या फिर एयरटेल उसके इंटरनेट स्पीड APN की मदद से कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियोज़ को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, इसी में करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आप नेटवर्क एंड इंटरनेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जिस सिम का इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है उस सिम का APN में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आगे से आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको नया APN क्रिएट करना है तो आप प्लस में चले जाएंगे। प्लस में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों नेम में आपको फिल करना पड़ेगा Alexa Xbox 20, ठीक है। तो आपका एक कैपिटल होगा, फिर स्मॉल होगा, स्पेस, फिर एक्स स्पेस 20। उसके बाद आप सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको APN में चले जाना है। APN में लिखना है आपको 4 कैपिटल G कैपिटल L कैपिटल T कैपिटल E उसके बाद IND, ठीक है। ओके में सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना, यूज़र नेम आपको दिखाई देता होगा, यूज़र नेम दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको यूज़र नेम में Alexa लिख देना है 20, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा सर्वर। सर्वर में दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है www.google.com और सेव कर देना है। फिर अब थोड़ा नीचे आना है आपको, आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा ऑथेंटिक टाइप, इसमें दोस्तों आपको पैप में सेव कर देना है। उसका थोड़ा नीचे आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा APN टाइप, इसमें आपको लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट, सेव कर देना है। तो थोड़ा नीचे आइएगा, फिर आपको दिखाई देगा APN प्रोटोकॉल, इसमें आपको सेव करना IPv4 IPv6। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको दिखाई देता होगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको तीसरे नंबर में क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बैरियर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अनएसिफाइड में अनटिक कर देंगे और LTE में और GPRS में टिक करने के बाद आप ओके में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अगर नीचे में सेव करने का ऑप्शन देगा तो आप सेव कर लेंगे, या फिर 3 डॉट में भी सेव करने का ऑप्शन देगा तो यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप जब APN क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आप एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर ले। तो दोस्तों जब आप इतना सेटिंग कर लेंगे उसके बाद भी अगर आपका APN काम नहीं करता है आपके फ़ोन में, तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका 100% वर्किंग करना स्टार्ट कर जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आपको आगे से कितना ज़्यादा स्पीड देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। फिर दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।